Hello, in this video we will see different network layer attacks in wireless sensor networks or ad hoc networks. तो जो दो main attacks हैं जो काफ़ी important attacks हैं आपके exam point of view से, एक होता है wormhole attack और एक है black hole attack. So wormhole attack होता है क्या है, in this the attacker receives a packet at one location in the network and tunnels them to another location in the network where the packets are resent into the network. ठीक है, so basically देखो उसमें हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, इसको देखते हैं एक बार. Let us say मेरे पास कोई इस तरह से nodes हैं, node A है and then I have this node B, node C, node D, E and F. ठीक है, और ये सब आपस में कनेक्टेड हैं वाया वायरलेस लिंक्स. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द नेटवर्क. अब यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली देर आर टू डिफरेंट अटैकर नोड्स. लेट अस से एक वर्महोल अटैकर यहाँ पे आ गया. This is wormhole attacker 1 and एक wormhole attacker suppose यहाँ पे आ गया, attacker 2. ठीक है, अब होता क्या है, होता क्या है कि ये अपने बीच में एक tunnel बना लेते हैं. So they will create a tunnel between themselves. तो ये एक tunnel बना लेते हैं. अब देखो होगा क्या है कि सपोज ए को पैकेट भेजना है ई को, तो ए क्या करेगा, ए ब्रॉडकास्ट करेगा अपने पैकेट्स, ए विल ब्रॉडकास्ट इट पैकेट्स. अब अटैकर ने यहाँ पे पैकेट रिसीव किया और वो सीधा इस पैकेट को इस रास्ते से यहाँ पे भेज देगा, टनल कर देगा इस तरफ, और ये आपस में इस तरह से पैकेट्स को आपस में एक दूसरे के पास भेजते रहेंगे. तो बेसिकली इससे हुआ क्या कि जो पैकेट आपका ई तक नहीं पहुँचा और नेटवर्क के अंदर इतना कंजेशन बढ़ जाता है कि जो आपके लेजिटिमेट पैकेट्स हैं, सही पैकेट्स हैं, वो भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते, और अगर पहुंचते भी हैं तो लेट पहुंचते हैं. तो ये वाला जो चीज़ है, ये जो है, जो दो अटैकर्स अपने बीच में एक क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज वर्म होल. ठीक है, मतलब ये जो टनल है, टनल बिटवीन दिस टू अटैकर इज नोन एज वर्म होल. तो आप वर्म होल की डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द टनल बिटवीन, इट इज अ टनल बिटवीन टू मलिशियस नोड्स कह सकते हो या कोलाइडिंग अटैकर्स. ठीक है, सो ये होता है वर्म होल अटैक. अब देखो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर मैकेनिज्म्स को यूज़ नहीं करोगे वॉर्म होल अटैक को रोकने के लिए, तो होगा क्या, देर इज़ अ डिले इन पैकेट डिलीवरी, पैकेट डिलीवरी में डिले होगा, एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ फेलियर टू फाइंड वैलिड रूट्स. कि वैलिड रूट्स को फाइंड करने में दिक्कत होगी, राउटिंग प्रोटोकॉल फेल हो सकता है. ठीक है, अब इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि वर्महोल अटैक कैन बी लॉन्च्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ नेटवर्क. मतलब इसमें दोनों अटैकर नोड्स को ये नहीं पता करने की जरूरत कि क्या टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या राउटिंग टेबल है. सिंपल, वो कहीं पर भी दोनों नोड्स प्लेस हो जाएंगे, पैकेट्स को रिसीव करेंगे और एक दूसरे के बीच में टनल करते रहेंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे. सो इट कैन बी लॉन्च्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ नेटवर्क. सो दिस इज वर्महोल अटैक. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक इज ब्लैक होल अटैक, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अटैक. ये क्या कहता है, अ मलिशियस नोड falsely advertises good paths to the destination node during the path finding process. ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्या करता है ये,
फॉल्सली एडवर्टाइजेस गुड पाथ। ठीक है, सो देखो होता कैसे है, कैसे काम करता है, इसको एक बार समझते हैं। अगेन एग्जांपल लेंगे कोई, लेट अस से एक नोड है मेरे पास ए, देन सी, डी, ई एंड देन वी हैव दिस एफ, और हमारे पास यहाँ पे एक मलिशियस नोड है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एम। सो दिस एम इज़ द मलिशियस नोड, और इस पूरे नेटवर्क का आपस में वायरलेस लिंक के द्वारा कनेक्शन है। सो दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। अब देखो है क्या, ए है सोर्स, ई है डेस्टिनेशन, बट ए को ई तक का रास्ता नहीं पता। तो ए क्या करता है, अपने पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करेगा ताकि दूसरी नोड्स जो हैं वो रिप्लाई में उसको सबसे छोटा रास्ता जो पहुंचने का है ई तक वो बता दे। तो अब क्या हुआ, ए ने पैकेट ब्रॉडकास्ट किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सपोज सी ने इसको रिप्लाई किया था कि ठीक है आप ई तक पहुँच सकते हो विद हॉप काउंट 4, बट क्योंकि एम मलिशियस नोड है, एम इसको रिप्लाई करेगा ठीक है मैं आपको ई तक पहुँचा दूंगा विद हॉप काउंट लेट अस से 2। अब क्या हुआ, सिंस द हॉप काउंट ऑफ पाथ फ्रॉम अ मलिशियस नोड एम इज लेस देन द वैलिड पाथ, द सोर्स विल चूज द पाथ एडवर्टाइजेस बाय मलिशियस नोड। तो क्या हुआ, ए चूजेस पाथ प्रोवाइडेड बाय मलिशियस नोड एम। ठीक है, अब देखो एम क्या है, एम तो मलिशियस नोड है, तो क्या होगा, ए से पैकेट जाएगा एम तक, बट इसके बाद पैकेट सीधा ड्रॉप हो जाएगा, इसके बाद पैकेट जो है आपका ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। सो हेयर दिस पैकेट्स आर ड्रॉप्ड बाय मलिशियस नोड। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ए पैकेट भेजेगा एम को, एम इसको रिप्लाई तो कर देगा ठीक है मुझे पैकेट मिल गया मैं आगे भेज दिया, बट एम क्या करेगा उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा नेटवर्क से ताकि वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पाए। सो दिस इज ब्लैक होल अटैक। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर अटैक इज बाइजेंटाइन अटैक। सो बाइजेंटाइन अटैक क्या करता है, इन दिस द कॉम्प्रोमाइज नोड और नोड्स वर्क्स इन कोलिजन एंड कैरीज आउट अटैक सच एज क्रिएटिंग राउटिंग लूप्स क्रिएट कर लेते हैं, पैकेट्स ऑन नॉन ऑप्टिमल पाथ, मतलब जो पैकेट्स हैं उसको नॉन ऑप्टिमल पाथ पे भेजते हैं जिसका हॉप काउंट सपोजली ज़्यादा हो, एंड सिलेक्टिवली ड्रॉपिंग पैकेट्स। अब देखो इसमें क्या है कि हर पैकेट को ड्रॉप नहीं करेगा, ये कुछ पैकेट्स को ड्रॉप कर देगा ताकि जो सोर्स है उसको पता ना लग पाए कि भाई मेरे पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो ऐसा हो सकता है कि सपोज एक नोड है ए बी सी डी एंड ई, सो कुछ इस तरह से हमारे पास नेटवर्क है एक लेट अस से, और इसमें जो अटैकर नोड्स हैं वो हैं ए एंड सी। तो ए और सी अटैकर नोड्स हैं, तो एक चीज़ तो क्या हो सकती है, ये आपस में एक राउटिंग लूप बना लें, मतलब इस तरह से एक लूप क्रिएट कर लिया इन्होंने अपने बीच कि आपस में ही पैकेट्स को सेंड और रिसीव कर रहे हैं, नेटवर्क के अंदर कंजेशन बढ़ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि सपोज ए से डी तक पैकेट जाना है, और जाने का जो सबसे छोटा रास्ता वो ये है ए से बी, बी से सी, सी से डी, बट क्योंकि सी क्या है एक अटैकर नोड है, सी क्या करेगा, सी हो सकता है कि उसको लूप में वापस ए को भेज दे, या हो सकता है कि नॉन ऑप्टिमल पाथ मतलब सी ई को भेजे और फिर यहाँ भेजे, तो उससे आपका हॉप काउंट इंक्रीज कर गया। या फिर अगर सपोज इसने कुछ पैकेट्स भेजे पैकेट नंबर P1 से लेके P10 तक, तो हो सकता है सी ड्रॉप कर दे पैकेट नंबर P4। सो दिस इज सिलेक्टिवली ड्रॉपिंग द पैकेट्स। सो दिस इज हाउ द बाइजेंटाइन अटैक इज कैरिड आउट। इसके बाद है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। ये तो सिंपल है कि जो कॉम्प्रोमाइज नोड है वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक कर देगी टू द अनऑथराइज नोड्स इन द नेटवर्क। सो अगेन जैसे कि अगर सपोज एक नोड है ए बी सी एंड डी,
सपोज डी इज द अनऑथराइज नोड, डी इज द अनऑथराइज नोड एंड दिस बी इज द कॉम्प्रोमाइज नोड, मतलब बी आपका अटैकर है, तो क्या करेगा बी, बी विल लीक इंफॉर्मेशन ऑफ ए एंड सी टू दिस नोड डी. ए की इंफॉर्मेशन बी के पास है और सी की भी इंफॉर्मेशन सपोज बी के पास है, तो बी इस इन दोनों नोड्स की, ए और सी की इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, इस अनऑथराइज नोड डी को. सो दैट इज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर. इसके बाद आता है रिसोर्स कंजम्पशन अटैक. नाम से पता लग रहा है, इन दिस अ मैलिशियस नोड ट्राइज टू कंज्यूम वेस्ट अवे रिसोर्सेज ऑफ अदर नोड्स. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन एक सिंपल सा नेटवर्क बना लेते हैं, ए बी एंड सी, सपोज तीन नोड्स हैं सिंपल, कुछ इस तरह से हमारे पास नेटवर्क है, और लेट अस से इसमें जो बी है, अगेन दिस इज द मैलिशियस नोड. सो बी क्या करेगा, बी विल कंज्यूम मोर रिसोर्सेज. ठीक है, सो कंज्यूम मोर रिसोर्सेज एंड वेस्ट रिसोर्सेज ऑफ ए एंड सी. सो इन दोनों की रिसोर्सेज को वेस्ट कर देगा, जैसे कि इन दोनों की बैटरी पावर को वेस्ट करेगा. कैसे कर सकता है, बार बार पीरियोडिकली बहुत जल्दी जल्दी पैकेट्स भेज रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये भी रिप्लाई करेंगे और उस रिप्लाई में इनकी बैटरी हो सकता है वेस्ट हो जाए. सो दिस इज रिसोर्स कंजम्पशन अटैक. नाउ देयर आर सर्टेन राउटिंग अटैक्स ऑल्सो. ये अटैक क्या होते हैं, बेसिकली दीज अटैक्स आर ऑन द राउटिंग प्रोटोकॉल. तो सबसे पहले इसमें राउटिंग टेबल ओवरफ्लो. तो राउटिंग टेबल ओवरफ्लो का क्या मतलब है, सपोज हमारे पास कुछ लिमिटेड डाटाबेस ही होता है, सेंसर नोड्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एंट्रीज हैं अप टू दिस, यानी कि एक दो तीन चार पाँच एंट्रीज हो सकती हैं. अब होगा क्या, अगर हमारे पास एक नोड है ए बी सी और डी, ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, लेट अस से सी इज द मलिशियस नोड. सो सी क्या करेगा, सी ऐसे रूट की एडवर्टीजमेंट करेगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता. लेट अस से सी कह रहा है कि मैं नोड नंबर ई तक पहुंचने का आपको रास्ता बता रहा हूं, जबकि ई नेटवर्क में है ही नहीं. तो यहां पे क्या होगा, लेट अस से ये राउटिंग टेबल है ए की, तो यहां पे ई के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एंट्रीज होना शुरू हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, आपकी जो राउटिंग टेबल है ये फुल हो गई. सो देर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर वैलिड रूट्स. सो इन दिस नो स्पेस लेफ्ट फॉर वैलिड रूट्स, राउटिंग टेबल ओवरफ्लो हो गई. मतलब जितनी राउटिंग टेबल की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा उसके अंदर फेक इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई. देन वी हैव दिस राउटिंग टेबल पॉइजनिंग. इन दिस द कॉम्प्रोमाइज नोड इन द नेटवर्क सेंड फिक्टिशियस राउटिंग अपडेट्स और मॉडिफाई जेन्युइन रूट अपडेट पैकेट्स. मतलब कि जैसे ये सी नोड ही है, ये फिक्टिशियस मतलब जो सही नहीं है वो अपडेट्स भेजेगी ए को डी को बी को, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी राउटिंग टेबल है वो ख़राब हो जाएगी, उसमें गलत एंट्रीज ऐड हो जाएंगी. सो इट विल लीड टू अननेसेसरी कन्फ्यूजन इन द राउटिंग टेबल, अननेसेसरी कन्फ्यूजन इन द टेबल. देन पैकेट रेप्लिकेशन. पैकेट रेप्लिकेशन क्या है कि जो मलिशियस नोड है वो आपका जो पैकेट है उसको रेप्लिकेट करेगी बेसिकली. सो पर्पस इज टू कंज्यूम द रिसोर्सेज, पर्पस इज टू कंज्यूम द रिसोर्सेज. भाई जो पैकेट पहले से ही था अगर उसको हम रेप्लिकेट करेंगे और दोबारा से नेटवर्क के अंदर भेजेंगे तो जो आपकी रिसोर्सेज है वही कंज्यूम हो रही हैं. देन अगेन द राउट कैशे पॉइजनिंग. जैसे कि हमने पहले राउटिंग प्रोटोकॉल्स में देखा है कि हर नोड के पास एक कैशे होता है जो डेस्टिनेशन तक जाने के रूट को सेव कर लेता है. अगर उसको आप गलत एंट्रीज कर दोगे तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी और आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि आप डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाओ वो हैम्पर होगा. देन द रशिंग अटैक. रशिंग अटैक में क्या होता है कि जो मलिशियस नोड होती है एंड वेन इट रिसीव्स अ रूट रिक्वेस्ट पैकेट फ्रॉम द सोर्स नोड फ्लड्स द पैकेट क्विकली थ्रू द नेटवर्क बिफोर अदर नोड्स
विच ऑल्सो रिसीव द सेम रूट रिक्वेस्ट पैकेट कैन रिएक्ट. देखो इसमें होता क्या है रशिंग अटैक में, सपोज ए है एक नोड, बी है एक नोड, सी है एक नोड, डी है एक नोड, अगेन देर इज अ नेटवर्क एंड द मलिशियस नोड इज सी. अब ए ने ब्रॉडकास्ट किया पैकेट ए और बी को कि मुझे डी तक जाने का रास्ता बताओ. अब क्योंकि सी क्या है, सी मलिशियस नोड है, इट विल सेंड द रिप्लाई इमीडिएटली. चेक भी नहीं करेगा कि डी तक जाने के लिए क्या रूट है, क्या एंट्री चाहिए, बहुत ही जल्दी इसको रिप्लाई कर देगा. दिस इज कॉल्ड एज रशिंग अटैक. मतलब इतना जल्दी रिप्लाई करेगा ए को कि उसके पास बी या कहीं किसी और नोड से रिप्लाई ना आ पाए. सो सी रशेस टू रिप्लाई बिफोर एनी नोड. ठीक है, सो दिस इज रशिंग अटैक. सो बेसिकली ये पांच राउटिंग अटैक्स हैं, राउटिंग टेबल ओवरफ्लो, राउटिंग टेबल पॉइजनिंग, पैकेट रेप्लिकेशन, राउट कैशे पॉइजनिंग एंड रशिंग अटैक. सो दीज आर ऑल द नेटवर्क लेयर अटैक्स ऑन वायरलेस सेंसर नेटवर्क. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट लेयर अटैक्स, एप्लीकेशन लेयर अटैक्स एंड अदर लेयर अटैक्स. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.